आज इस वीडियो में मैं आपको आज एक इस ऐसे जवान की घटना का जिक्र कर रहा हूं जिसका नाम है तपस कुमार। और इस जवान के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है कि आज इस बेचारे को सुप्रीम कोर्ट मतलब AFT के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश इसके पक्ष में है, केस जीतकर आ गया। कुछ नहीं बोल रहा है। दूसरा जब अधिकारी नाम से कंटेम हुआ, तुरंत मेरे को बुलाया ट्रेनिंग के लिए। नवंबर जो बैच शुरू हुआ था नौकरी में, केस जीत गया। अभी भी कोई मेरी तो कोई सुनवाई नहीं। तो उसके बाद वकील ने बोला कि भाई आप जो आपके अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी, उनका नाम बताओ। उनके नाम से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, मतलब उनके नाम से ऑर्डर हो और उनको कोर्ट में बुलाया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर कमांडेंट के नाम सम्मन जारी किए कि भाई आप कोर्ट में पेश हो, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आपको बताता हूँ कहानी इसकी। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी भाई, चाहे वो सैनिक है, चाहे पूर्व सैनिक है, चाहे पब्लिक है, चाहे जवान हमारा, या जवानों के बच्चे, या जो भी भर्ती देख रहे हैं वो युवा, उन सब से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि कल ये घटना आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके दोस्तों के साथ या आपके साथ हो सकती है। क्योंकि सेना के अंदर हमारे ही बच्चे जाते हैं, जवान, किसान, मिडिल क्लास के, मजदूर के बच्चे, आम आदमी का बच्चा जो वहां पहुंचता है मेहनत करके, और उस मेहनत के बावजूद अगर उसको निकाला जाता है तो बहुत बड़ी मुश्किल होती है। पहले तो निकालने के बाद बहुत से लोग कोर्ट जाते ही नहीं है, क्योंकि गरीब परिवार का बच्चा होता है, मेहनत करके वहां पहुंचे और वहां इसको निकाल दिया जाए तो उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटे। लेकिन ये जवान जिसका नाम तपस कुमार है, बंगाल का रहने वाला, इसने हिम्मत करी, इसके माँ बाप ने हिम्मत दिखाई और इसको AFT लखनऊ और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहां जीत के, और ये इसने अपनी वर्दी पहनने के जुनून को पूरा किया। लेकिन फिर इसके साथ उन अधिकारियों ने ऐसा व्यवहार करके इसको फिर उसी रास्ते पर लाकर छोड़ दिया। अब आखिर जवान जाए तो उस रास्ते पर, या तो दोबारा वही AFT और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लाखों रुपए खर्च करे बेचारे, जबकि 8 महीने ये सेंटर में ट्रेनिंग किया है, अभी तक इसको 1 रुपए तनख्वाह नहीं दिया गया। मतलब हर साइड से उनके दिमाग में ये एक चीजें बैठी रहती हैं कि मिडिल क्लास का जवान है, इसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर कर दो, इसको इतना कमजोर कर दो कि दोबारा ये जा ही ना पाए, उनको पता है। लेकिन ये फिर जवान कह रहा है कि सर न्याय नहीं मिला तो मैं फिर जाऊंगा, चाहे मेरे बाप पिताजी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लोगों के यहाँ नौकर कर रहे हैं। इसने कहा कि सर मेरी माँ मजदूरी करती है, लेकिन फिर उसने कहा कि बेटा हम जोड़ेंगे और तेरे को कोर्ट में फिर ले जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप सिर्फ ये वीडियो वायरल कर दो तो इसके कोर्ट का जाने का खर्चा बच जाएगा, आपका एक शेयर इसको नौकरी दिला सकता है, क्योंकि ये वीडियो आज बनाकर इनके जो कमांडेंट, सेंटर कमांडेंट है, उनका नंबर मेरे पास है, मैं उनके पास आज ये वीडियो भेजना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आपने इस जवान के साथ गलत किया है और इसको वापिस लें, नहीं तो फिर हमारे जवानों को एक चीज जरूर कहूंगा कि जब भी कोई घटना होती है आपके साथ अंदर, जब कोई नाइंसाफी हो रही है, आपकी नौकरी पर जब तलवार लटक जाती है, तो उस समय आप एक तो समय रहते हमारे को बताते नहीं हो। मैं अपना हर वीडियो में नंबर देता हूं, मेरे हर वीडियो में नंबर है, इस वीडियो में मैं अपना लास्ट में नंबर सब कुछ डिटेल में दूंगा। लेकिन बहुत से तो सर आपका नंबर बताना, पूरा वीडियो देखोगा तो नंबर भी मिल जाएगा और इन चीजों का रिजल्ट भी मिल जाएगा कि क्या होता है। और मैंने बहुत से बंदों की नौकरी बचाई है जिन्होंने समय रहते मेरे को बता दिया, लेकिन बहुत से बंदे या तो तब बताते हैं कि सर इस महीने लास्ट में 31 को आउट हूं मैं, तो मेरा कुछ हो सकता है क्या भाई? कितने दिन बचे हैं? 5 दिन बचे हैं, तो 5 दिन में तो भाई वो जादू की छड़ी तो है नहीं कि रविंद्र भोजी ऐसे करके टक वापिस कर देगा। समय रहते बता दो, क्योंकि अंदर ये लोग आपके साथ, पहले रॉयल खानदान के अफसर होते थे, वो आदमी के पीठ पे लात मार देते लेकिन पेट पे नहीं मारते थे।
लेकिन अब ऐसे घटिया लोग हो चुके हैं जो आपकी पीठ पे भी और आपके पेट पे भी लात मार रहे हैं, जिसको जाते जाते जवान का वेलफेयर भी जीरो कर देते हैं, उसको कुछ नहीं मिलता और फिर वो हमारे को बोलता है भाई पहले क्यों नहीं बताया। सर पहले तो मेरे को ऐसे कह रहे थे कि तेरे को ये दिल मिल जाएगा, तेरे को नहीं भेजेंगे, तू सहन कर दे, तो ऐसे चक्रों में ना फंस कर आप चीजें होती है तो हमारे तक समय रहते हुए बताया करो, समय निकल जाएगा या खुद आप गलत हो फिर ना तो गलती का साथ रविंद्र भोजी देता है और ना ही ऊपर वाला कोई दे पाएगा। हाँ अगर आप सही हो और आपके साथ ना इंसाफी हो रही है तो रविंद्र भोजी हर तरह से आपके लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार है। इसलिए बार बार कहता हूं कि जुड़ो और जब काम हो जाता है अपना तो दूसरों के लिए चैनल का सहयोग भी करा करो, तनमंदन से जुड़ के भी रहो। ये नहीं कि हमने बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोर्ट में जाकर लाखों रुपए खर्च कर देते और तब भी कुछ नहीं मिलता, 50-50% चांस होता है, और हमने बहुत से लोगों को बगैर किसी एक रुपए के, अगर कोई भी जवान कह देना कि इंडिविजुअल रविंद्र भोजी ने मेरे को केस के लिए इतने ले लिया, एक भी जवान खड़ा कर देना, किसी से नहीं कहते हम, और उन लोगों को हम भेजते हैं बगैर किसी पैसे और वो चले भी जाते हैं, लेकिन वो बंदे भी नौकरी करने के बाद फिर बोल जाते हैं कि भाई हाँ आज हमारा भला हुआ तो हम किसी दूसरे के लिए सपोर्ट करें। सपोर्ट करोगे तो रविंद्र भोजी मजबूत होगा, चैनल मजबूत होगा और आपके साथ नए इंसाफी के साथ हम लड़ पाएंगे। तो जिसको सपोर्ट करना है मेरा नंबर है 8290-35-45-13, मेरा फोन पे और पेटीएम से भी जुड़ा हुआ है, यही मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर भी है। मैं रविंद्र भोजी टाटा बिड़ला नहीं है, आपको रास्ता दिखा सकता है और जरूरत पड़ने के लिए आपको धरने पर बैठना या इन चीजों को हाईलाइट करने के लिए आप मजबूत करोगे तो मजबूती से लड़ सकते हैं, बाकी सब ऊपर वाले के हवाले है। हमारा काम है और आपका काम है कोशिश करना अन्याय के अत्याचार के खिलाफ करना। वीडियो को देखिए और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र भोजी आज आपको मैं एक जवान की एक कहानी बता रहा हूं जो इस समय एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो जवान पहले भी AFT लखनऊ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि AFT लखनऊ में वो जवान केस जीता लेकिन सेना के अधिकारी उस केस को लेकर गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी वो जवान केस जीता। जवान केस जीतने के बाद भी इनके कानों पर जू नहीं रहेगी, लेकिन फिर इस जवान ने बोला कि सर केस जीत गया, अभी भी कोई मेरी तो कोई सुनवाई नहीं। तो उसके बाद वकील ने बोला कि भाई आप जो आपके अधिकारी हैं सीनियर अधिकारी उनका नाम बताओ, उनके नाम से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, मतलब उनके नाम से ऑर्डर हो और उनको कोर्ट में बुलाया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर कमांडेंट के नाम सम्मन जारी किए कि भाई आप कोर्ट में पेश हो, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिनाय कर रहे हैं, इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो नहीं तो आपके खिलाफ वारंट जारी होंगे। जब सम्मन गया तो सेंटर कमांडेंट महोदय आपको पता ही है फटाफट इस जवान के पास के ठीक है भाई आप आ जाओ। ये जवान सेंटर में चला जाता है, वहां अपनी ट्रेनिंग करता है, उसके बाद फिर इसको वहीं की वहीं लाकर सिविल में फिर छोड़ दिया जाता है। अब इसके पास दो रास्ते हैं। ये जवान कह रहा है कि सर इतनी मेहनत करने के बाद, इतना खर्चा करके और मैं वहां गया था और अब उन्होंने फिर मेरे को एक चक्रव्यूह में रचकर और फिर घर भेज दिया। अब या तो बोले मैं थोड़ा ये सारा मतलब हार कर बैठ जाऊं या फिर एक बार और लड़ूं। तो मैं चाहता हूं आप लोगों को कि अगर आप चाहते हो कि आपके इस जवान के साथ इंसाफ हो तो मेरे को पता है आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इस वीडियो को वायरल करो तो इस जवान को इंसाफ मिल सकता है। और जो लोग कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कुर्सी पर बैठकर अब उनको आपको कहानी आप सुनेंगे तो आप तय करेंगे कि क्या सरकार का प्रेशर है इन लोगों पर या इनकी ईगो हट हुई है, किस कारण इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जवान को लिया और फिर निकाल दिया। आपको बताता हूं कहानी इसकी।
मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी भाई चाहे वो सैनिक है, चाहे पूर्व सैनिक है, चाहे पब्लिक है, चाहे जवान हमारा या जवानों के बच्चे या जो भी भर्ती देख रहे हैं वो युवा, उन सब से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि कल ये घटना आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके दोस्तों के साथ या आपके साथ हो सकती है। क्योंकि सेना के अंदर हमारे ही बच्चे जाते हैं, जवान, किसान, मिडिल क्लास के, मजदूर के बच्चे, आम आदमी का बच्चा जो वहां पहुंचता है मेहनत करके, और उस मेहनत के बावजूद अगर उसको निकाला जाता है तो बहुत बड़ी मुश्किल होती है। पहले तो निकालने के बाद बहुत से लोग कोर्ट जाते ही नहीं है, क्योंकि गरीब परिवार का बच्चा होता है, मेहनत करके वहां पहुंचे और वहां इसको निकाल दिया जाए तो उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटे। लेकिन ये जवान जिसका नाम तपस कुमार है, बंगाल का रहने वाला, इसने हिम्मत करी, इसके माँ बाप ने हिम्मत दिखाई और इसको AFT लखनऊ और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहां जीत के, और ये इसने अपने वर्दी पहनने के जुनून को पूरा किया। लेकिन फिर इसके साथ उन अधिकारियों ने ऐसा व्यवहार करके इसको फिर उसी रास्ते पर लाकर छोड़ दिया। अब आखिर जवान जाए तो उस रास्ते पर, या तो दोबारा वही AFT और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लाखों रुपए खर्च करे बेचारे, जबकि 8 महीने ये सेंटर में ट्रेनिंग किया है, अभी तक इसको 1 रुपए तनख्वाह नहीं दिया गया। मतलब हर साइड से उनके दिमाग में ये एक चीजें बैठी रहती हैं कि मिडिल क्लास का जवान है, इसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर कर दो, इसको इतना कमजोर कर दो कि दोबारा ये जा ही ना पाए, उनको पता है। लेकिन ये फिर जवान कह रहा है कि सर न्याय नहीं मिला तो मैं फिर जाऊंगा, चाहे मेरे बाप पिताजी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लोगों के यहाँ नौकर कर रहे हैं। इसने कहा कि सर मेरी माँ मजदूरी करती है, लेकिन फिर उसने कहा कि बेटा हम जोड़ेंगे और तेरे को कोर्ट में फिर ले जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप सिर्फ ये वीडियो वायरल कर दो तो इसके कोर्ट का जाने का खर्चा बच जाएगा, आपका एक शेयर इसको नौकरी दिला सकता है, क्योंकि ये वीडियो आज बनाकर इनके जो कमांडेंट, सेंटर कमांडेंट है, उनका नंबर मेरे पास है, मैं उनके पास आज ये वीडियो भेजना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आपने इस जवान के साथ गलत किया है और इसको वापिस लें, नहीं तो फिर पब्लिक के जरिए भी कल उस सेंटर का, सेंटर कमांडेंट का, उस ट्रेनिंग जिसने निकाला है, इनका ट्रेनिंग जो स्पोर्ट्स अफसर है, रिकॉर्ड अफसर है, उन सब का, TVC है जो ट्रेनिंग बटालियन का अफसर है, उन सब का बाकायदा नाम भी लेंगे और उन सबको एक बार फिर कोर्ट में घसीटेंगे। और सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहता हूं माननीय न्यायालय की इस वीडियो पर संज्ञान जरूर ले, एक जवान के पास इतना पैसा नहीं कि बार बार कोर्ट जाए हो, और आपके आदेश के बावजूद अगर ऐसे कोई लोग करते हैं, आप उनके नाम जारी करते हो, उसके बाद वो मान भी जाते हैं लेकिन फिर किसी को निकाल देते हैं, तो ऐसे लोगों पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान लेता? कब तक हमारा एक कमजोर गरीब परिवार का जवान इस तरह न्यायालय के चक्कर काटता रहेगा? अब यहां मैं आपको शुरू करता हूं सबसे पहले इसकी कहानी। 2018 में यह जवान भर्ती हुआ था, बीआरओ से भर्ती होकर ये सेंटर में चला जाता है, सेंटर में लगभग 1 महीने ये रहता है। बंगाल का रहने वाला गरीब परिवार का बच्चा, किस तरह इनके माँ बाप ने पढ़ाकर मेहनत करके इसको भेजा, बंगाल साइड का था, हिंदी कम जानता था, और सेंटर में थोड़े दिन में इसको शुरू में हम, क्योंकि मैं खुद जो मेरा सेंटर था उसमें लगभग हर जगह से आदमी, कोई उड़ीसा से आता था, कोई बंगाल से, तो कोई कर्नाटका से, कोई कलकत्ता से, मतलब हर जगह जगह के लोग, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तो बहुत से लोगों को भाषा प्रॉब्लम या कुछ हो जाती है शुरू में, तो इसको थोड़ा हिंदी समझ में नहीं आई, कई बातों पे हाँ ना करता था, तो इससे 1 महीने के अंदर ही ब्लैंक पेपर पे साइन करा लिए कि तेरे बस की नहीं है फौजर, तेरे को हिंदी समझ में नहीं आती, तू घर चला जा। 10वीं पढ़ा लिखा लड़का ये ब्लैंक पेपर पे बोले, नहीं सर मेरे को नौकरी करनी है, गरीब परिवार है। बोले ठीक है कोई बात ना, तू साइन कर, और इसको इस तरह झूठा साइन करवाकर 2018 में इसको घर भेज दिया गया। 2018 में जब ये घर बैठा बेचारा, फिर एक कमांडेंट साहब कह कहां कहां चक्कर काटा, लेकिन इसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। उसी बीच में आप सबको पता है कि सेना में एक हलचल चल रही थी अग्निपथ योजना ने, और ये लास्ट बैच में रेगुलर कैडर में भर्ती हुआ था, और जब ये भर्ती हुआ था उसके बाद में ही अग्निवीर योजना की प्रपोजल सरकार ने तैयार कर दी थी, भर्तियां बंद कर दी थी, तो वो ये भी चाहते थे कहीं ना कहीं कि एक दो बंदों को ट्रेनिंग कैसे कराए, तो उस झमेले में इसको भी निकाल दिया।
उसके बाद इधर उधर चक्कर काटता रहा, ले लो सर मेरे को, तो इन्होंने बोला भाई हम तो परमानेंट कैडर में भर्ती नहीं लेते, अब जाओ। इसने हार थक कर 2020 में लखनऊ AFT में केस डाला और वहां अपनी कहानी बताई। वहां बताया कि साहब ऐसे ऐसे मेरे तो ब्लैंक पेपरों पर साइन कराया और मेरे को निकाल दिया, मेरी कोई गलती नहीं, कोई कुछ नहीं। वहां इनकी तरफ से जो वकील आए उन्होंने पता नहीं क्या दलील दी, लेकिन मानो कि इसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां बैठे AFT के जज महोदय ने इसकी सुनवाई की और इसको आदेश दिया कि भाई आप इसको सेना में लीजिए, इसकी कोई गलती नहीं है। जब AFT ने ऑर्डर किया 2020 के अंदर, उस समय वही अग्निवीर योजनाओं की, और उन्होंने हवाला दिया कि अग्निवीर का ऑलरेडी केस चल रहा है, हमने तो रेगुलर कैडर को बिल्कुल बंद ही कर दिया गया है और केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इस तरह चल रहा है, उसका फैसला आने दो, तब तक हम नहीं लेंगे। कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इसको ऐसे कहकर घुमा दिया गया कि बेचारा फिर वकीलों के पास गया कि भाई मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, इस तरह इसको घुमाते रहे। और इस तरह घुमाते घुमाते अंत में जब ये ठंडा पड़ गया तो वो इस केस को उठाकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया उनकी तरफ से, सेना की तरफ से। जब केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में जब इसने अपनी कहानी बताई, और उधर उस समय अग्निवीर योजना की भी चल रही थी, तारीखों पर तारीख पड़ती गई, और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला दे दिया कि भाई ये तो रेगुलर कैडर का बंदा था और इसकी कोई गलती नहीं, आपकी योजना आई गई वो अलग चीजें हैं, वो अलग है, आप इसको ज्वाइनिंग दें। ज्वाइनिंग के आदेश हो गए, उसके बावजूद में वही सेना में, तो क्योंकि ट्रकिंग परेड है, कुछ अधिकारी अपनी ऐसे सोचते हैं कि हमारी तो घर की सेना है, आदेश आ गया तब भी कोई सुनवाई नहीं है, चक्कर काटता रहा, अपने BRO में जाए, जहां सेंटर में जाए इसको भगा देंगे, अभी कोई कॉफी नहीं आई, हमारे को कोई मतलब नहीं, हमारे पास ऑर्डर नहीं आया। उनके पास ऑर्डर पहुंच गया तब भी वो सोच रहे थे कि इसको भगा भुगो देंगे तो काम चल जाएगा। जब काफी दिन के बाद भी इसको नहीं लिया गया, ये फिर अपने वकील के पास दिल्ली पहुंचा कि साहब ऑर्डर हो गए सुप्रीम कोर्ट के, तब भी मेरे को नहीं ले रहे। वकील ने कोर्ट से इधर रजिस्ट्रार वगैरह से बात की कि साहब तो बोला आप ऐसा कीजिए, अगर कोर्ट के आदेश के बाद, क्योंकि कॉपी हमने सेंटर में भी कोर्ट की तरफ से जा चुकी है, सब जगह उसके BRO में भी गई, तो BRO वालों ने बोला कि भाई हमारा तो काम खत्म है, हमने अपना आदेश आपके सेंटर में दे दिया और हमारी तरफ से डिस्पैच हो, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, और उनका कोई रोल भी नहीं था। और सेंटर इसको टरका रहा था कि ऐसे ऑर्डर आते रहते हैं, मतलब उनके दिमाग में ये थी। जब लास्ट में देखा नहीं माने तो वकील ने बोला कि भाई जहां से तेरे पास तू जा रहा है, जहां नहीं लिया जा रहा, वहां के जो सीनियर अधिकारी उनका नाम बताओ। तो उसने बताया कि सर वहां तो जो सेंटर में इतने दिन से घूमते घूमते बंदा इतना तो समझ गया था क्या कहानी थी, मेरे से भी इसने बात की थी, तो मैंने बताया वह सेंटर का कमांडेंट है, वहां सीनियर, उनके नाम से तू ऑर्डर जारी करवा दे। वकील ने कंटेंट ऑफ कोर्ट के तहत कि वे कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर सम्मन जारी किए सीधे सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर के नाम। जब उनके नाम गया और उसमें सीधा लिखा गया कि आपने कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की है और अगर आप इसको ज्वाइनिंग नहीं देते हो तो अगले आदेश में आपके नाम वारंट जारी होंगे, या तो आप कोर्ट में पेश हो जाओ इस डेट पर। जब ये फर्रा उनकी टेबल पर रखा गया तो उनकी सारी जो अकड़ थी ना फालतू की, यानी जो देश संविधान से चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि माना गया है, उसके आदेशों की अवहेलना करने पर उनके जू नहीं रंग रही थी। जब गया कि भाई या तो इस तारीख को आप हाजिर हो जाओ, नहीं आपके खिलाफ जारी हो गए वारंट और फिर आप कोर्ट में खड़े कर दिए जाओगे, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तब फटाफट इसके वहां आदेश भेजा गया ZRO में कि भाई उस बंदे को तपस कुमार को भेजो और अगला बैच जो नवंबर इतनी तारीख को उसको भेज देना, यहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट है और हम इसको ट्रेनिंग केंद्र में बैठा देंगे। 2023 नवंबर को इसको वहां बुलाकर, नवंबर में वहां बुलाया गया, 23 केंद्र में इसको बैठा दिया गया और इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। इसके साथ वालों की 2 महीने बाद ही पेमेंट वगैरह आने लगी, पेमेंट शुरू होगी, इस बंदे की पेमेंट स्टार्ट नहीं हुई। कारण क्या था कि इसको बोला वहां सेंटर में आते कि भाई अब हमारे पास परमानेंट रेगुलर कैडर तो आते नहीं है
और तू रेगुलेटर रेगुलर के ऑर्डर जो तेरे हुए हैं तू साइन कर दे कि मैं अग्निवीर में नौकरी करना चाहता हूँ, तो तेरे को अग्निवीर में इनरोल दिखाकर तेरी तनख्वाह शुरू कर देंगे। बंदे ने बोला, वकील से पूछा, हमारे से बोले भाई तू साइन मत करना, कर तेरा रेगुलेटर के रेगुलर कैडर में हुआ तो। साइन नहीं किया इसने, फिर बोला जब तक साइन नहीं करेगा तब तक हम तेरी पेमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे, ट्रेनिंग करता जा, देखी जाएगी। बंदा ट्रेनिंग करता रहा, जब ट्रेनिंग पूरी हो गई और जब कसम परेड की बात आई, अब इनके कहीं ना कहीं दिमाग में एक प्लानिंग चल रही थी कि यार इसने भैंचो कोर्ट के कमांडेंट साहब के आदेश जारी करा दिए, इन्होंने मतलब बंदा अपनी नौकरी के लिए लड़ रहा था, अपने सिद्धांतों के लिए लड़ रहा था, इसकी लड़ाई किसी इंडिविजुअल से नहीं थी, ना ही कोई सेना से थी, अपनी नौकरी के प्रति इसकी लड़ाई थी, और उन लोगों ने एक ईगो बना लिया कि कमांडेंट का नाम संबंध जारी करा दिया, इसको तो कहीं ना कहीं कैदी में लेना है। तो पहला काम तो उन्होंने ये किया, इसकी तनख्वाह रोक कर रखी। दूसरा तरीका क्या आजमाया कि बाकी जवानों की वेरिफिकेशन वगैरह भेज दी गई, इसको भी बोला कि तेरी वेरिफिकेशन जा चुकी है, कसम परेड होने वाली है, लेकिन तेरी वेरिफिकेशन आई नहीं, जबकि हकीकत यह थी कि इसकी वेरिफिकेशन भेजी नहीं, क्योंकि जब सबकी वेरिफिकेशन आ गई और कसम परेड की बारी आई तो इसको बताया गया कि यार तेरी कसम परेड ही नहीं आई। इसने अपने थाने में कलेक्टर SP सब जगह पता करवाया, बोले भाई तेरा यहां अभी तक कोई भी वेरिफिकेशन नहीं आई है। इसने बताया साहब वहां तो गया ही नहीं। तो फिर इसको दबाव, इसको टॉर्चर, बड़ा पैकर, पता नहीं क्या क्या लगाया गया, अभी भी समय है, तेरा सब कुछ हो जाएगा, तू अग्निवीर में साइन कर दे, नहीं तो तेरे साथ के सारे चले जाएंगे, तू यहीं बैठा रहेगा। तंग आकर फिर इसने वकील से बात की, हमारे से पूछा, तो हमने भी ये किया कि चल ये सड़क भाई, क्योंकि बाउंड्री के अंदर तो ऐसे है, अब वहां जाकर ना तो हम कुछ कर सकते और बार बार कोर्ट भी तरह तरह सुनेगा नहीं। वकील साहब ने भी बोला कि भाई हम कितनी बार कहें, अब अंदर का जो उनका कानून है क्या प्रक्रिया है, क्योंकि वो अपने हिसाब से उसको सिक्योरिटी पर्पस दिखाएंगे और कुछ दिखा देंगे, इसलिए तू जैसा समझे कर ले, 4 साल ठीक है अग्निवीर कर, आगे देखी जाएगी। अब इसने बेचारे ने मजबूरी में अग्निवीर में भी साइन कर दिया, अग्निवीर में साइन कर दिया। उसके बाद इन्होंने बोला कि ठीक है अब तेरी वेरिफिकेशन भेजेंगे, बाकी लोगों को तो यूनिट में पास करके सबको भेज दिया गया, इसको उस समय रोक दिया। बोले सर अब तो मेरा कम से कम मेरा भी पास सब करके कसम परेड करा के मेरे को भेज दो। बोले नहीं अब तो तेरी वेरिफिकेशन आएगी, उसके बाद हम तेरा वो करेंगे, टेस्ट लेंगे, फिर करेंगे। जब सब लोग जाए गए चले गए, अब इन्होंने देखा कि भाई ये पहले तो इसको अग्निवीर में नहीं सेंड करे, तनख्वाह नहीं दे, इस नाम से भाग जाए तो ठीक है, तंग करे भाग जाए तो ठीक है, नहीं माना। जब मजबूरी में चलो इसने अग्निवीर में सेंड कर दिया, बोले यार तो अग्निवीर में भी रहेगा, जो कोई नाक इज्जत वाली उन्होंने आंख पकड़ ली कि इसको निकालें कैसे। वेरिफिकेशन इन्होंने तब तक भी नहीं भेजी थी, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी वेरिफिकेशन इस बंदे को 22 या कितनी जून को आउट कर दिया गया, और इसकी अब कल 17 जुलाई को इसके थाने में वेरिफिकेशन आई है। इसने मेरे को फोन किया कि साहब मेरी वेरिफिकेशन आई है, मेरे को तो निकाल भी दिया, एक तरफ ऑर्डर में दे रखा है, मेरे पास सारे इसके प्रूफ आए हुए हैं, और अब इसके थाने में आ गई। मैंने बोला एक बार थाने में जा और उनसे पता कर, कल ये बंदा थाने में गया है तो वहां बोला कि भाई हाँ तेरी अभी आई है, वहां से 10 जुलाई को भेजी गई है। बंदे को आउट करने के बाद उन्होंने वेरिफिकेशन भेज दी कि कल अगर कोर्ट में जाए तो कहें कि हम तो पहले भेज रखी थी, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि गलती करने वाला कदम कदम पर गलती करता है, और गलतियों को छुपाने के लिए फिर गलती पे गलती होती है। जब कोर्ट में ये चीजें जाएंगी, इसके ट्रेनिंग का रिकॉर्ड देखा जाएगा, मतलब पहले तो इन्होंने क्या किया है, दोबारा इसका इंडिविजुअल टेस्ट लिया है। इंडिविजुअल टेस्ट में भी, क्योंकि हमारे भी लिंक सब जगह है, मैंने इसके सेंटर में जगह जगह जहां मेरे बंदे थे वहां से पता किया, वो लोग कह रहे कि सर ये पास था, मतलब सबके साथ ट्रेनिंग की उसमें भी ये पास था, इंडिविजुअल में भी पास हुआ, लेकिन इसको बोला गया तो फेल है, और ये इसको सर्टिफिकेट देके कि उसमें लिखा गया है जो मेरे पास इसने भेजा हुआ है कि भाई आप बेसिक ट्रेनिंग में और दोबारा मौका दिया तब भी, और तीसरी बार मौका दिया तब भी आप फेल हो, इसलिए हम आपको घर भेज रहे हैं, और इसको 22 जून को घर भेज दिया। हालांकि इस बंदे ने 22 जून के घर आने के बाद में, क्यों हर आदमी सोचता है इधर उधर हाथ पैर मार के कि भाई मेरा काम हो जाए, इसने सबसे पूछा कि सर मैं तो पास था फिर भी मेरे क्यों भेज रहे हो, बोला नहीं नहीं हम क्या करें ऊपर का आदेश है। अब ये ऊपर कौन है, हर आदमी इसका CHM सीनियर JCO TBC तक बोलते हैं कि ऊपर का आदेश है,
ऊपर कौन है, कमांडेंट साहब का आदेश है या कोई उससे भी ऊपर का है, सरकार का आदेश है? अगर सरकार का है तो आर्मी अफसर जितने भी हमारे साहिबान है उनको कहना चाहते हूँ कि आप अपने ऊपर क्यों बुराई ले रहे हो, क्या आप लोगों में इतना भी दम नहीं कि आदेश है तो बताया जाए कि सरकार के आदेश है? अगर आज आप सरकार के आगे इतना झुककर किसी बंदे को, सही इंसान को निकाल सकते हो, आप अपनी नौकरी के पीछे कल ना देश के दुश्मनों से मिल जाओगे। जैसे कल परसों एक साहब कह रहा था कि वो पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा था, बॉर्डर क्रॉस करा देता था। यानी आपके लिए आपका प्रमोशन या सरकार से इतना तक झुक गए कि किसी बंदे को इसलिए निकाल रहे हो फिट फॉर होने के बावजूद भी कि किसी भी तरह निकालना है। दूसरा, प्लानिंग आपकी वो फेल है कि आपने वेरिफिकेशन बाद में क्यों भेजी है, तो झोल कहीं है, फंसोगे आप कोर्ट में जाने के। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बंदे को दोबारा इसके लाखों रुपए खर्च करके कोर्ट में न जाए और राजी राजी आप इस केस को देखते हुए। बंदा कह रहा है कि आज भी मेरे को कहीं भी किसी भी सेंटर में, आप तो सेंटर की बता रहे हो, किसी भी सेंटर में मेरा बीपीटी बीपीटी कुछ भी करा लो, एक्सीलेंट हो। मेरी खुद इनके काफी बंदों से बात हुई है जो कह रहे हैं कि हाँ सर ये हमारे साथ पास था। इसने और बंदों की भी रिकॉर्डिंग भेज रखी जो मेरे पास रखी हुई है। अगर आज कमांडेंट साहब के पास भी मैं ये वीडियो भेज दूंगा और इसके बावजूद भी उस बंदे को नहीं बुलाते हैं और वो मजबूरी करते हैं कि कोर्ट में जाए, तो सब चीज कोर्ट में भी दिखाएंगे, पब्लिक में इस मीडिया के जरिए भी बाकायदा मैं सब जगह डालूंगा। फिर ये लोग जो चटकू जो बोलते हैं ना, फौज को बदनाम कर रहे हो, अधिकारियों को बदनाम कर रहे हो, प्रूफ भेजा है बंदे ने मेरे पास और मैंने बात की है कई बंदों से, तब मैं ये डाल रहा हूं। मैं भी नहीं चाहता कि फौज की इस तरह की बातें बाहर जाए, लेकिन जब मजबूर कर देते हो, नहीं सुनते हो तो हम जानते हैं। आज बगैर नाम लिए डाल रहा हूं, नहीं मानोगे तो अगली बार नाम लेकर बाकायदा आपका और बंदे से भी वीडियो डलाकर फिर डालूंगा, फिर लोगों के जूते पड़ेंगे और फिर कोर्ट में भी हम किसी भी तरह इसको कैसे भी करके लेके जाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े और फिर कोर्ट से भी जूते पड़ेंगे। इसलिए आज फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, महोदय कमांडेंट साहब इस बंदे को ले, अगर आपके नीचे वालों ने गलती की है तो आप खुद खड़ा कर होकर इसका टेस्ट ले, दूसरे सेंटर में टेस्ट कराएं। और जो आपके बंदे बाकायदा कह रहे हैं कि हमारे साथ पास था, और इंडिविजुअल अगर किसी को टेस्ट लेते हो तो आपके बहुत से सेंटर को, मैंने पहले भी एक सेंटर कमांडेंट ने इसी तरह किया था, कुछ बंदों को किसी कारणवश दिक्कत में और फिर इंडिविजुअल का टेस्ट लिया था, बाद में हमने बोला कि उन सब बंदों को बुला करके टेस्ट ले लो कितने फेल और कितने पास होते हैं उसमें, और बाद में उनको राजी राजी लिया गया था। ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कि पहले भी हमारे यहाँ का, मेरे यहाँ का लड़का निकला था और मैंने जब सेंटर कमांडेंट साहब से बात की, सारी चीजें बताई, तो उन्होंने मौका दिया था उस बंदे को। हालांकि बाद में मेरे को बाद में पता चला कि वो बंदा खुद नहीं करना चाहता था, तो वो अलग चीज थी, लेकिन कमांडेंट साहब ने मौका दिया था कि हाँ अगर मेरे नीचे ऐसे किसी से मेरी नॉलेज में नहीं था तो उन्होंने बुला के मौका दिया था, अगर आपकी नॉलेज में नहीं तो आप इसको मौका दें और इस तरह किसी गरीब के पेट पर लात ना मारें। इसके माँ बाप ने जो सपने देखे हैं, इसने सपने देखे हैं और इस तरह हमारे हजारों लाखों बच्चे सपने देख रहे हैं, अगर इस तरह की कहानियां उनके आप साथ करोगे तो इसका फल रविंद्र फौजी या कोर्ट नहीं तो ऊपर बैठा देगा। फिर उसका जिस दिन डंडा घूमेगा ना, उस दिन वो डंडा कहाँ पड़ेगा और कहाँ निकलेगा, वो आपके ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर या आपकी किस पीढ़ी का नाश करेगा वो कोई नहीं मुकतेगा, किसी गरीब की बद्दुआ लोगे तो। बाकी जो भी देख रहे हैं हमारे बंदे, उनसे यही उम्मीद करूंगा कि भाई इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि इस बंदे को इंसाफ मिले। ऐसी कोई भी खबर हमारे तक भेजते रहो और ये हमारा चैनल है, चैनल से जुड़ो, हमारी मजबूती करोगे तो हम मजबूती से इन लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। इतना फिर कह रहा हूं कि कुछ बातें होती है क्योंकि इन्होंने कुछ बातें हमारे को डिले बताई, अगर यही कहानी हमारे को अंदर रहते हुए बता देता बंदा तो हम कमांडेंट साहब से समय रहते बात कर सकते थे, लेकिन बहुत से बंदे क्योंकि 2018 में इसने मेरे को बताया था तो हमने इसको रास्ता बताया, लेकिन बीच में नौकरी करा, कोर्ट का फैसला था, कुछ तो हम भी बिजी रहते, हम फोन नहीं उठा पाए। लेकिन कुछ केस में ये कह रहा था कि सर मैंने बात की थी, लेकिन मैंने इसकी हिस्ट्री देखी तो इसने 1 जुलाई को मेरे को बताया जबकि 22 को वहां से निकाल दिए गए थे, क्यों? पहले बंदों को आस रहती है कि ये तो ले लेंगे, अंदर भी ऐसे रखते हैं कि कोई नहीं तेरे को रखेंगे, फलाना कहीं मत बताना, फलाना बिगड़ा, और फिर निकाल देते हो तो फिर कोर्ट या फिर ये लड़ाई फिर हमारे पास रह जाती है। नहीं तो समय रहते बताए हुए बहुत बंदों को हमने अंदर के अंदर, अगर बंदों के साथ ना इंसाफी हुई तो हमने अंदर बंदों को ठीक करवाया है।
तो कुछ चीजें होती है तो हमारे तक समय रहते हुए बताया करो, समय निकल जाएगा या खुद आप गलत हो, फिर ना तो गलती का साथ रविंद्र भोजी देता है और ना ही ऊपर वाला कोई दे पाएगा। हाँ, अगर आप सही हो और आपके साथ ना इंसाफी हो रही है तो रविंद्र भोजी हर तरह से आपके लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार है। इसलिए बार बार कहता हूं कि जुड़ो और जब काम हो जाता है अपना तो दूसरों के लिए चैनल का सहयोग भी करा करो, तन मन धन से जुड़ के भी रहो। ये नहीं कि हमने बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोर्ट में जाकर लाखों रुपए खर्च कर देते और तब भी कुछ नहीं मिलता, 50-50% चांस होता है। और हमने बहुत से लोगों को बगैर किसी एक रुपए के, अगर कोई भी जवान कह देना कि इंडिविजुअल रविंद्र भोजी ने मेरे को केस के लिए इतने ले लिया, एक भी जवान खड़ा कर देना, किसी से नहीं कहते हम। और उन लोगों को हम भेजते हैं बगैर किसी पैसे और वो चले भी जाते हैं, लेकिन वो बंदे भी नौकरी करने के बाद फिर बोल जाते हैं कि भाई हाँ आज हमारा भला हुआ तो हम किसी दूसरे के लिए सपोर्ट करें। सपोर्ट करोगे तो रविंद्र भोजी मजबूत होगा, चैनल मजबूत होगा और आपके साथ नए इंसाफी के साथ हम लड़ पाएंगे। तो जिसको सपोर्ट करना है, मेरा नंबर है 8290-35-45-13, मेरा फोन पे और पेटीएम से भी जुड़ा हुआ है, यही मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर भी है। भाई रविंद्र भोजी टाटा बिड़ला नहीं है, आपको रास्ता दिखा सकता है और जरूरत पड़ने के लिए आपको धरने पर बैठना या इन चीजों को हाईलाइट करने के लिए आप मजबूत करोगे तो मजबूती से लड़ सकते हैं। बाकी सब ऊपर वाले के हवाले है, हमारा काम है और आपका काम है कोशिश करना अन्याय के अत्याचार के खिलाफ लड़ना। वीडियो को देखिए और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।